हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आपां बेटा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ांगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस दे। फर्स्ट वन इज़ गवर्नेंस ऑफ हिंदू लॉ। द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस इज़ गवर्न्ड बाय मिताक्षरा और दया भगत सिस्टम ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ दे विच दो सिस्टम दिते गए ने, मिताक्षरा एक दा नाम, दूजा उहदा नाम की है दया भगत सिस्टम। ठीक है, सो इन्हां दोनों दे अकॉर्डिंग ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस नूं चलाया जांदा वा। इन द सेम वे rights and duties of its members are determined by it. So ਇਹਦੇ according ਹੀ ਇਸ law ਦੇ according ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੀ rights ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਟਰਮਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਟੀ। ਦ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇਜ਼ ਅਨਲਿਮਿਟਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਲਡੈਸਟ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, दैट मीनस वो जी सैल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी आ कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई द लोन्स टेकन बाय द फैमिली। हुण इहदे विच इह दस्या गया कि उहदे बिजनेस दे नाल नाल जी उहदी होर अलग तो कोई प्रॉपर्टी भी है तां उह भी अक्वायर की जा सकती है काहदे लई, डेट पे करन दे लई। ठीक आ, बट द लाइबिलिटी ऑफ अदर कॉपर सैनर्स मीनस मैंबरस इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉपर सैनरी इंट्रस्ट इन द बिजनेस। जिहड़े बाकी मैंबर आ जिन्होंने कि आप कॉपर सैनर्स बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने लाइबिलिटी डिपेंड उन्ने ते ही डिपेंड करती है जिन्ना जिन्ना उन्होंने बिजनेस के इंट्रस्ट है, मतलब जिन्हें जिन्हें वो हकदार ने। मतलब मान लो सपोज कर लो भी उन्होंने बिजनेस वंडिया जाता, एक दिन वंडन तो बाद जिन्ना जिन्ना हिस्सा उन्होंने आऊगा उन्ना उन्ना हिस्सा ही जाऊगा, उन्होंने परसनल प्रॉपर्टी नहीं जाऊगी, बट जिहड़ा करता वा उहदी परसनल प्रॉपर्टी जरूर वेची जा सकती है डेट पे करन दे लई। नैक्सट इज़ मैंबरशिप। इट्स मैंबरशिप कैन बी अक्वायर्ड ओनली बाय बर्थ और बाय मैरिज टू मेल परसन हु इज़ ऑलरेडी अ मैंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हुण जिहड़ा ये बिजनेस है इहदी मैंबरशिप किवें ली जा सकती है, जां तां इस बिजनेस दे विच जिवें जां इह फैमिली दे विच कोई परसन आ जिवें उहदी मैरिज होगी, मतलब मेल परसन की किसी नाल मैरिज होगी, तो वह जिहड़ी लेडी आऊगी तो वह इहदी विच की बन जूगी, मैंबर बन जूगी, जां उहनां दे गांह बर्थ हुंदा किसी बच्चे का तो वह भी इहदा मैंबर बन जूगा। नो आउटसाइड कैन बी टेकन एज इट्स मैंबरस। कोई भी बाहरला परसन इहदा मैंबर नहीं बन सकता। हाउएवर एन अडोप्टड मेल चाइल्ड अटेन्स द स्टेटस ऑफ मैंबर ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हुण सपोज कर लो कोई बच्चा किसी ने अडोप्ट कर लिया, ठीक है, फीमेल चाइल्ड नहीं मेल चाइल्ड, ठीक है, अडोप्ट कर लिया तो उन्होंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैंबर मनिया जाऊगा। नैक्सट इज नंबर ऑफ मैंबरस। द देयर मस्ट बी मिनीम 2 मैंबरस टू फॉर्म अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाने के लिए मिनीम 2 परसन ही चाहिए, बट देयर इज़ नो मैक्सीम लिमिट ऑफ मैंबरस। मैक्सीम लिमिट कोई नहीं है मैंबरस की, ठीक है। नैक्सट इज कॉन्टीन्यूटी। द कॉन्टीन्यूटी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ परमानेंट, मतलब ये हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होंगी। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डैथ इनसॉल्वेंसी और इनसेंटी ऑफ द करता और अदर मैंबरस ऑफ द फैमिली। हुण इहदे विच इह दस्या गया, देखो जिवें आपां सोल प्रोपराइटरशिप दे विच पढ़िया सीगा वी जे मान लो सोल प्रोपराइटर की डैथ हो जाती है जां उह दिमागी तौर पर पागल हो जाता वा तां उहदा बिजनेस बंद हो जाता सी, बट इहदे केस दे विच इदां दा कुछ नहीं हुंदा, जिहड़ा मैंबर आ उह बाकी जिहड़े मैंबर ने उह चलाउंदे आ फैमिली बिजनेस नूं। ठीक आ, नैक्सट इज मैंबरशिप ऑफ माइनर। अ माइनर बिकम कॉपर सैनर एज सून एज ही टेक्स द बर्थ इन द फैमिली। माइनर मीनस एक छोटा बच्चा, मतलब जदों कॉपर सैनर बन जाता, मतलब मैंबर उदों बन जाता जदों उस फैमिली के जन्म लैंदा। बट अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। बट जबकि जी पार्टनरशिप फर्म आज केस से जिन्हों के माइनर न पार्टनर बना सकते हैं आप, बट इदा नहीं भी आप कुछ केसों के बना सकते हैं, बहुत नहीं बना सकते, ठीक है, वो भी बाकिया की कंसेंट के नाल बना सकते। अदरवाइज पार्टनरशिप के कोई माइनर परसन 18 साल तो इसकी घट उम्र पार्टनर बन नहीं सकता। ठीक, सैवंथ पॉइंट देखो, दैट इज़ मैनेजमेंट। ऑल द अफेयर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एल्डेस्ट मेल मैंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता और मैनेजर। जिन्हें भी ये फैमिली बिजनेस दे काम होंगे ने सारे कौन कंट्रोल करता या कौन देखता वा, जिहड़ा एल्डेस्ट मतलब सब तो वड्डी उम्र का मेल मैंबर हुंदा फैमिली का जिन्हों के करता कहा जाता वह मैनेज करता। हिज पावर्स आर अनलिमिटेड एंड ही एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर मैंबरस ऑफ द फैमिली। उहदियां पावर्स की होंदियां ने, अनलिमिटेड होंदियां ने, ते बाकी फैमिली मैंबर के बिहाफ से वो कम करता है। ही हैज़ अ फाइनल से ऑल दो ही कंसल्ट्स अदर मैंबरस
एंड के उपर किसी भी फैसले के उपर वो फाइनल डिसीजन उदा ही मनिया आता, जबकि वैसे दूजे नाल कंसल्ट भी कर सकता, दूजे नूं पुछ भी सकता बाकी मैंबरस नूं। ही इज़ नॉट एट ऑल अकाउंटेबल टू ऑल एनी टू एनी मैंबर ऑफ द फैमिली। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल, बाकी मैंबरस नूं वो जवाबदेह नहीं हैगा भी किहड़ा काम वो क्यों कर रहा है, किवें कर रहा। ठीक है, एट्थ पॉइंट देखो, नो एक्सैस टू अकाउंट्स। All accounts are maintained by Karta. He is not accountable to other members for the transactions of the family business. जिहड़े जिन्ना भी अकाउंट्स का सारा काम वो करता ही की करता वा, उन्हूं मेनटेन करता, उन्हूं टेक केयर करता उस चीज़ की। ठीक है, वो किसी नूं भी जवाबदेह नहीं है किसी भी मैंबर नूं किसी भी ट्रांजैक्शन दे लई, मतलब कित्थे उन्हें बिजनेस का लैण देण कीता वा। ठीक है, वो किसी नूं दसण दे लई जवाबदेह नहीं है। ऑन द अदर हैंड, नो मैंबर हैज़ एक्सैस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू नो नो अबाउट द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस और लॉसिस। ठीक है, मतलब प्रॉफिट और लॉसिस के बारे कोई भी फैमिली का जरा बिजनेस परसन आ, फैमिली बिजनेस के कोई भी परसन कोई भी अकाउंट्स नू नहीं देख सकता। ठीक है, मतलब कोई भी मैंबर इदा का नहीं है जिन्हों वह अलाउ करे भी हाँ तू अकाउंट्स चैक कर सकता। ठीक है, सो कोई भी परसन कोई प्रॉफिट लॉस चैक नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज़ इंप्लाइड अथॉरिटी। ये आप पहला भी पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फर्म के भी, सेम उही चीज़ इतने आ। करता हैज़ एन इंप्लाइड अथॉरिटी टू बाइंड द अदर मैंबरस टू द थर्ड पार्टीज टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द बिजनेस। हुण देखो, करता वा वो आपके बिजनेस तो बाहर जाके किसी ना कोई डील करता, सो जिहड़ी भी डील उन्हें की सारी फैमिली जिहड़े मैंबर सीगे वो की हो गए, अटैच हो गए। ठीक है, अदर फैमिली मैंबरस आर नॉट हैविंग सच अथॉरिटी। हुण पार्टनरशिप फर्म के आप पढ़िया सी भी, मान लो चार पार्टनर आ जां पांच पार्टनर आ, कोई भी पार्टनर बाहर जाके डील करके आता तो बाकी बाइंड हो जाते, जेडे मगर तीन रह गए उन्होंने कोई डील करके आता तो बाकी बाइंड हो जाते। बट ये कला करता ही बाहर जाके डील कर सकता थर्ड पार्टी। ठीक है, तो करके सारे मैंबरस अटैच हो जाते। नैक्सट लास्ट पॉइंट है यदा डेजोल्यूशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन बी डिजोल्व ओनली थ्रू द अग्रीमेंट ऑफ ऑल द मैंबरस। हुण जिहड़ी ये फैमिली बिजनेस आ, ये सारे मैंबर अग्री हुंदे आ मानदे आ तां ही फैमिली बिजनेस बंद हो सकदा। अ सिंगल मैंबर इज़ नॉट हैविंग एनी राइट टू डिजोल्व इट। एक सिंगल मैंबर इनू बंद नहीं कर सकता। ठीक है, हुण जिवें आपां पार्टनरशिप फर्म के पढ़िया सी भी, जे एक पार्टनर रिटन रूप के कह दे एक नोटिस दे दे कि मैं इनू कॉन्टीन्यू नहीं करना चाहता तो सारी फर्म बंद हो जाती सी। बट ये केस के सारे मैंबर जे कहणगे बंद करना बिजनेस तां ही बंद हो सकता। ठीक है जी, अज लई इन्ना ही। नैक्सट वीडियो के आप मैरिट्स एडवांटेजिस जिहड़ियां ने वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस दीआं डिस्कस करांगे। ठीक है।